कैनेडा च पंजाबी नौजवानों दी मौतां दे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कैनेडा में एक होर पंजाबी नौजवान की मौत की खबर सामने आई है। मृतक की पछाण गगनदीप सिंह उफ गग्गू वासी पिंड नोली वजो हुई है। मिली जानकारी मुताबिक वह 6 दिन पहला भारत तो कैनेडा गया सी। उसकी मौत के कारणों का अजे तक कुछ पता नहीं लग पाया है। टोरंटो एयरपोर्ट से उतरन तो बाद गग्गू ओंटारियो के शहर बैरी च अपने जान पछाण वालों को गया सी। वह बिल्कुल ठीक सी। परिवारिक मैंबर ने दसिया कि गगनदीप उफ गग्गू नू कैनेडा भेजन लई लखा रुपए खर्च किए गए सन। गग्गू की मौत तो बाद उसके परिवार के मैंबर के सुपने भी टुट गए ने। दस दिए कि गग्गू के हाल में ही विआह होया सी। गग्गू के पिता मोहन लाल अते माता सीमा राणी ने दसिया कि उन्होंने किसी तरह अपने पुत्र नू उसके सुपने पूरे करन लई कैनेडा भेजा सी, पर उत्थे पहुँचते ही उसकी मौत हो गई। पिंड के लोगों ने दसिया कि गग्गू की मौत तो बाद सारिया खुशियां मातम विच बदल गई ने। कैनेडा विच कई लोगों की मौत के संबंध में जो जलंधर के डॉक्टर सुभाग अग्रवाल ते डॉक्टर जियान गौरव नाल गल की गई तो उन्होंने वक् वक् प्रतिक्रियावां दित्तियां। डॉक्टर सुभाग अग्रवाल का कहना है कि सिर्फ कैनेडा विच ही पंजाब तो जाण वाले नौजवान क्यों मर रहे हैं, दूजे देशों विच नहीं? ये एक वड्डा सवाल है। डिप्रैशन करके कोई भी मैडिकल लाइन विच नहीं मरदा। उन्होंने मुताबिक नशे का सेवन करन वाले लोगों नू दिल का दौरा पै रहा है अते यही मौत का कारण बन रहा है। उन्होंने खदशा प्रगटाया कि कैनेडा के कई शहरों में अजे तक किसी शक्की हालात कारण मौत होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कैनेडा च इसकी जाँच होने तो बाद पता लगेगा कि पंजाबी नौजवान लगातार क्यों मर रहे हैं। इस संबंधी जो डॉक्टर जी एन गौरव नाल गलबात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्थे पंजाबी नौजवानों दी मौतों का कारण नशा है। उन्होंने मुताबिक जो पंजाबी नौजवान लखा रुपए खर्च करके विदेश जाते हैं उन्होंने काम नहीं मिलता, जिस करके वह डिप्रैशन में आना शुरू कर देंगे ने दवाइया का सेवन करना शुरू कर देंगे ने, जिस करके उन्होंने दिल के दौरे पै रहे ने। उन्होंने दसिया कि इतों के स्कूलों कॉलेजों में लोगों नशे तो बचन बारे जागरूक किया जाता है और प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। मंगलवार शाम को गया जी, रात को गया 12:30 बजे अंबरसर की फ्लाइट सी। असी तकरीबन उत्थे 4 बजे के लगभग पहुँच गए, 4:45 पहुँच गए। 4:15 एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो गई। उन्होंने ये लो भी 4:45-5 बजे बोर्डिंग कार्ड मिल गया, सारी तलाई वगैरह कपड़े कुपड़े धो के ना जो बोर्डिंग कार्ड मिल गया तो अभी उत्तों 5 बजे तुर पे। कितने दिन हुए थे उसको इतों जी? इतों 6 तरीक में गया, दिन मंगलवार से तो देख लो काम शुरू किया था उसने। काम काम तो वह सलून का सी, इधर भी सलून ही सी उधर, उधर भी सीधा वो कागज पहले भेजे सी बहू मेरी ने जी। तो सलून में कागज भेजे से इंटरव्यू देने गया जी, उन्हें उत्थे रख लिया, कहिंदा जी फिर इत्थे हुण जाणा नहीं, काम करो। कितनी देर हुई थी इसकी शादी? शादी 21 नवंबर नहीं, 7 नवंबर 21। तो जो इनकी पत्नी थी वो पहले ही उधर? हाँ, वो इतने साढ़े को महीना सवा महीना रह के फिर कनाडा चली गई। तो कैसे पता चला आपको गगनदीप की? हाँ जी, गगनदीप की मौत का कैसे पता? गगनदीप की मौत है सर, मैंने गगन का जो फोन आया रात को 9:30 बजे आया तो मेरी वीडियो कॉल हो रही थी वो तो मैनू कहते डैडी जी मैं इदा लगता भी जिदा वीकनैस महसूस होती जिदा नींद ही आती है। मैं कहा चल थके आ रहा होना, फिर मैं 15 मिनट गल की है, मैं कहा पुत्र तू सौ जा कोई गल नहीं। तो पूरे 1:45-2 बजे के लगभग वो डैथ की सट खबर सू मिल गई। किस पर फोन आया था? वो मेरी बेटी का आया आस्ट्रेलिया को। क्या कहा उसने? यही कहा जी डैडी जी गगन साडा सानू छुट के पर सानू सच नहीं आया जी। असी ते बस कनेडा से फोन किया जी, मेरे ताते का पोता है जी, वो कहिंदा चाचा जी गल बिल्कुल सच्ची है जी, उन्हें साइलेंट हला अटैक होया लगता है, कहिंदे जिदा सिम्पटम उहदे हैगे साइलेंट अटैक होया। कैसे नेचर था उसका? नेचर तो बहुत वधिया जी, नेचर तो पहले उच्ची आवाज किसी नाल बोलदा नहीं सी, हौली हौली गल्लां करदे, बच्चों नाल उहदी यारी सी, उह तां अपने हाल मंगणा भी कोई यारी नहीं सी। अब उसकी बॉडी वापस इंडिया लाने के लिए बातचीत हुई और
हाँ बातचीत तो हो रही है वैसे, क्योंकि उन्होंने मेरी हुणी बहू ना गल हो के हटी है आधा पौना घंटा पहले। वो कहते भी डैडी जी परसों तक की रिपोर्ट आ जानी है पोस्टमार्टम की, तो फिर उस बाद 15 या 18 दिन का प्रोसीजर है डेड बॉडी इतने आई है। कैनेडा के वैनकूवर शहर में नशियां नूं कानूनी मानता दिती गई है अते उत्थे मात्रा के हिसाब नाल नशे ले जा सकते हैं। कैनेडा का माहौल ठंडा है इसलिए ज़्यादा नशे लैन वालों नूं दिल का दौरा पैण की संभावना वध जाती है। उत्थों का खाना भी चंगा नहीं है क्योंकि उत्थे ज़्यादातर तले हुए भोजन ही खाण विच यूज़ हुंदे ने। डॉक्टर जी एन गौरव ने कहा है कि उत्थे सिंथेटिक दवाइयां की ज़्यादा वरतों की जाती है जो कि कैमिकल नाल बनिया हुई होंदियां ने।